नमस्कार, डीडी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शशांक भट्ट। डीडी उत्तराखंड आप तक कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक खबर पहुंचा रहा है, कैसे आप इससे बचाव कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार द्वारा क्या कुछ रियायत और सहायता और मदद के लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, वो हम अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि SDRF के ऑफिस में, जहां पर हम जानेंगे कि कैसे SDRF इस आपदा के वक्त काम कर रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकथाम के लिए SDRF को भी मोर्चे पर लगाया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं SDRF की कमांडेंट तृप्ति भट्ट जी। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका DD उत्तराखंड में, और आपसे मैं समझना चाहूँगा मैम, इस वक्त क्या कुछ वर्किंग चल रही है SDRF की? SDRF द्वारा जो इनिशियली सबसे पहला इनिशिएटिव लिया गया था वो था ट्रेनिंग का, जिसमें लार्ज स्केल ट्रेनिंग पुलिस कर्मचारियों को PSC, IRB, होमगार्ड, इसके अतिरिक्त जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनको वर्गीकृत करके, फॉर एग्जाम्पल सफाई कर्मचारियों की अलग से ट्रेनिंग, इसमें जितने भी होटल के कर्मचारी हैं, GMVN, KMVN का स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग, इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज के ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग को हमारे द्वारा काफ़ी स्पेशलाइज्ड वे में लगातार कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें 5 से 6 हज़ार लोगों को हम लोग ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं और ये ट्रेनिंग लगातार जारी है। इसमें हम लोग अभी जूम ऐप का इस्तेमाल भी करते हुए जो NCC और NSS के बच्चे हैं उनको भी हम लार्ज स्केल पर अवेयरनेस का जिम्मा हमने उठाया हुआ है। इसके अलावा जो भी पॉजिटिवली संक्रमित लोग हैं COVID-19 से डिटेक्टेड है, तो जितने भी आइसोलेशन वार्ड्स फंक्शनल है प्रदेश में उसमें लगातार SDRF के कर्मचारियों द्वारा ड्यूटीज़ प्रदान की जा रही, जो कि काफ़ी हाई रिस्क जोन है। इसमें अभी तक कोरोना संबंधी ड्यूटीज़ में SDRF के लगभग 100 से अधिक कर्मचारी हैं जो मुस्तैद हैं। और इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का भी है, तो जो भी ट्रेनिंग्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट के भी नोडल ऑफिसर से लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन बना के उसी प्रकार से हम लोग अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बना रहे हैं। और जो आइसोलेशन वार्ड्स की ड्यूटीज़ हैं, इसके अतिरिक्त हमारा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट PPEs संबंधी है, जिसमें कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन और संपूर्ण कर्मचारियों को PPEs की उपलब्धता, सही PPE को पहनना, सही तरीके से पहनना, उसका सैनिटाइजेशन, वन टाइम यूज़ है तो यूज़ एंड थ्रो, और कंटामिनेशन प्रोटोकॉल, डिकंटामिनेशन प्रोटोकॉल, उसका डिस्पोजल प्रोटोकॉल, वो सब हम लोग लगातार अपने कर्मचारियों को भी अवेयर कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी प्लानिंग है, जो हमारा डिप्लॉयमेंट चार्ट्स है, उसको भी हम लोग जो ज़्यादा हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे अधिक केसेस सामने आ रहे हैं तो वहाँ पर हमारे द्वारा इंटरनली डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाया जा रहा है। मैम, बात अगर उत्तराखंड की करें तो सुदूरवर्ती इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाकों में लोगों तक इसकी समझाना लोगों को कि वायरस कैसे फैल रहा है और इसके बचाव के क्या कुछ प्रयोग हैं, तो इस बारे में SDRF क्या कुछ वर्किंग कर? इसमें जो हमारे अवेयरनेस जनरेशन है उसके लिए कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों तरह के तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। जो कन्वेंशनल तरीके हैं, पारंपरिक तरीके हैं, जैसे कि पैम्फलेट्स का इस्तेमाल, उसके अलावा जो हमारे कर्मचारी स्वयं जाके लोगों को इकट्ठा करके ट्रेनिंग देते थे, वो अब संभव नहीं है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और एक साथ बहुत सारे लोगों को एकत्रित करना संभव नहीं है। तो उसके सब्सटीट्यूट के तौर पर हम लोग अब जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जहाँ पर अत्यंत आवश्यक हो तो पूर्व में हमारे द्वारा, जबकि जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रॉपरली फॉलो किया, फॉर एग्जांपल जो राशन की कतारों में लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं एक एक मीटर की दूरी पर, तो वहीं पर ऑन द स्पॉट जाकर उनको ट्रेनिंग देना, या जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल सब्जी मंडी में सब्जियां लेने के लिए गए हुए हैं लोग, तो उनको एक एक मीटर की दूरी पर खड़ा करके वहीं पर अवेयर करना कि आपको क्या मास्क पहनने चाहिए, किस प्रकार से आपको घर से निकलना चाहिए, किस प्रकार आपको खुद को सैनिटाइज करना चाहिए, किस प्रकार आपको अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकलना चाहिए, या जो आपकी आवश्यक वस्तुएं हैं उसके क्रय के दौरान भी आपको एक एक मीटर की दूरी बनानी चाहिए। तो ऑन द स्पॉट जाके हम लोग स्पॉट ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और स्मार्टफोन की यूज़र्स की संख्या चूँकि काफ़ी बढ़ रही है तो उससे भी काफ़ी बड़ी संख्या में युवा वर्ग हमारे साथ जुड़ रहा है। इसके अलावा एक इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जो गेम बेस्ड है उसका भी डेवलपमेंट अंडरवे है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग क्विज के माध्यम से, एक गेम के माध्यम से भी हम उसमें अवेयरनेस जनरेशन का काम करेंगे। उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं यूँ आती रहती हैं और SDRF की भूमिका उसमें सबसे अहम रही है और बखूबी काम भी निभा रहा है उसका। ये जो वायरस है अलग तरीके का वायरस है, मैन टू मैन इसका जो संक्रमण है वो बेहद तेज़ी से फैला है, तो अभी की जो वर्क कल्चर की हम लोग बात करें, जो जिस प्रणाली में आप अभी तक फोर्स काम कर रहा था, क्या उससे अलग तरीके से अब कुछ देखिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। तो जो हमारे कर्मचारी आइसोलेशन ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं उनकी मिंगलिंग हम बाकी कर्मचारियों से नहीं कर रहे हैं, और जब भी ड्यूटियाँ समाप्त हो रही हैं तो फॉर एग्जाम्पल कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो गया
तो उसके आइसोलेशन वार्ड ड्यूटी में जो भी कर्मचारी हमारे नियुक्त थे उनको 14 दिन के हम क्वारंटीन में भेज रहे हैं। इसके अलावा जो लॉकडाउन से पहले जो कर्मचारी विभिन्न स्थानों पर फॉर एग्जांपल छुट्टी में या किसी ऑफिशियल वर्क से गए हुए थे तो उनको ट्रैवलिंग ना करवाते हुए उनकी जो निकटतम पोस्ट है वहीं पर हमने आमद करा के वहीं उनको मतलब मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन ताकि उसकी आवश्यकता पड़े उस हिसाब से उनको रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया है। इसके अलावा जो हमारे सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। विशेष रूप से जैसे मेरा स्वयं का ऑफिस है दून हॉस्पिटल के ठीक सामने है, ऐसे जो हमारे अन्य ऑफिसेज हैं जो पोस्ट्स हैं जहाँ पे कर्मचारी रोज़ाना ड्यूटियों पर निकल रहे हैं तो वो भी काफ़ी एक्सपोज्ड है। इस तरह के जो हमारे सैनिटाइजेशन के लिए हमारे वायरसाइडल सॉल्यूशंस हैं और उसके अलावा जो हमारी डेली क्लीनिंग है उसके प्रोटोकॉल्स जो हमारे कर्मचारी हैं चाहे हमारा ऑफिशियल स्टाफ हो, क्लरिकल स्टाफ हो, फील्ड स्टाफ हो, ऑपरेशनल स्टाफ हो, तो सभी को अपनी जो डेली जो अपनी दैनिक दिनचर्या है उसके क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं किया जाना चाहिए उसके बारे में जागरूकता हम लोग लगातार प्रदान कर रहे हैं। इस संदर्भ में कुछ वीडियोस भी हमारे द्वारा बनाए गए थे जिनको जनता के द्वारा काफ़ी सराहा जा रहा है और कुछ वीडियोस काफ़ी वायरल हो चुके हैं और इन वीडियोस के माध्यम से जो हमने जागरूकता फैलाने का एक विनम्र प्रयास किया था तो कुछ जो वायरल वीडियोस हैं उनकी रीच 50-60 लाख व्यूज तक उसमें पड़ गए हैं, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा है कि इसके द्वारा जनता में एक पसंद किया जा रहा है इस पहल को और उससे भी अवेयरनेस काफ़ी बड़ी संख्या में जनरेट हो रही है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो आपके हेल्पलाइन नंबर्स हैं या फिर जो लोगों के लिए सहायता के लिए नंबर जारी करे गए हैं और जो कंट्रोल रूम है वो कैसे काम कर रहा है? जो सिटीजन हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो कोरोना के लिए 104 है जो हेल्पलाइन नंबर है, उसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम है डायल 112 है, अभी 108 पे भी कई कॉल्स आती हैं, कई लोग डायरेक्टली हमें कॉल करते हैं, SDRF के कंट्रोल रूम नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की अपनी डेडिकेटेड कोरोना हेल्पलाइंस हैं, स्वास्थ्य विभाग की हेल्पलाइंस हैं, तो ऐसे कई विभिन्न माध्यम हैं जिससे जनता शासन प्रशासन अथवा पुलिस को रीच आउट कर सकती है, अपनी समस्याएं बता सकती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भी कई लोग अपनी समस्याएं भेज रहे हैं, विभिन्न अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य कई माध्यमों से, कई बार मीडिया के द्वारा भी कई प्रकार की इश्यूज़ हैं जो बार बार संज्ञान में लाते हैं तो उस पर भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और जो NGOs हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं उसमें भी जो भी हर संभव असिस्टेंस हमारे द्वारा दिया जा सकता है वो भी SDRF द्वारा दिया जा रहा है। जो अभी की जो वर्किंग है उसमें आपने बताया कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं, अगर रसद और खाद्य पदार्थों को देखें जो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लगभग कितने पैकेट्स हैं जो रोज़ डेली नीड्स जो हैं लोगों की उसको पूरा किया जा रहा है इसमें? देखिए जो मेन इसमें जिम्मेदारी निभाई जा रही है संबंधित ज़िलों द्वारा निभाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज और बहुत सारे NGOs हो रहे थे जो कि अलग अलग स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इच्छुक थे तो उसको केंद्रीकृत करके अपने अपने थाने चौकी के माध्यम से ही ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। परंतु जो भी NGOs कर रहे हैं इसमें यदि किसी प्रकार का असिस्टेंस मांगा जाता है तो SDRF द्वारा प्रदान किया जा रहा है, परंतु जो नोडल है तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो संबंधित थाना और चौकी के माध्यम से। मैम अभी के जो वर्किंग कल्चर है उसको बारे में आपने हमें बताया और अभी का अगर आंकड़े देखें तो लगातार मामले सामने आए उत्तराखंड में भी और पिछले 2-3 दिनों से देखें तो मामले एक भी सामने नहीं आया है और यूँ कहें कि बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, समन्वय स्थापित कैसे किया जा रहा है पुलिस डिपार्टमेंट SDRF और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा? देखिए SDRF भी पुलिस विभाग का ही एक हिस्सा है और अच्छा समन्वय अच्छा टीम वर्क सभी डिपार्टमेंट्स में देखने को मिल रहा है, चाहे फूड एंड सिविल सप्लाईज़ हो, चाहे सैनिटाइजेशन है, चाहे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, पुलिस रिलेटेड वर्क है, ट्रैफिक है, लॉ एंड ऑर्डर है, इवन जो हमारे लॉकडाउन इन्फोर्समेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है, तो ऐसे कई कार्य हैं जो इस पूरे अवधि में किए जा रहे हैं। इसमें बहुत सारा और भी प्रिपरेटरी वर्क है विभिन्न विभागों का जो अपने अपने विभागों के द्वारा संपादित किया जा रहा है, जिसमें काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस भी की जाती है इस संदर्भ में, जिससे कि जिसकी भी जो समस्या हो उसको एक प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर लिया जाता है और उच्चाधिकारियों द्वारा जो भी दिशा निर्देश होते हैं वो निर्गत किए जाते हैं, जो भी ग्रीवांस रिड्रेसल है वो ऑन द स्पॉट हो जाता है और जो भी गुड प्रैक्टिसेस जो भी व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है तो वो शेयरिंग भी उससे हो जाती है। तो जो फिजिकल मीटिंग्स हैं उसको रिप्लेस किया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से और इससे भी एक कोऑर्डिनेशन में बेहतरी हुई है। मैम एक सवाल और है, आपने एक बात कही थी कि जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी SDRF के जवानों की तैनाती हुई है, तो लगभग कितने अस्पताल हैं प्रदेश भर में जिनमें तैनाती हुई है, इस बारे में कोई आंकड़ा या फिर तमाम जितने भी अस्पताल हैं उसमें SDRF के जवान नज़र बनाए हुए हैं? सभी अस्पतालों में नहीं है, केवल वही आइसोलेशन वार्ड्स जहाँ पे पॉजिटिवली संक्रमित व्यक्ति भर्ती है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और जो गारंटीड इन्फेक्टेड व्यक्ति है केवल उसी के आइसोलेशन वार्ड में SDRF लगी हुई है। चूँकि इतना मैन पावर हमारे पास नहीं है कि हम प्रत्येक अस्पताल में प्रत्याशा में उसको डिप्लॉय करें, प्लस ये काफ़ी स्पेशलाइज्ड और हाई रिस्क जोन्स हैं
तो जिसमें जो भी व्यक्ति ड्यूटी पर होते हैं उनके द्वारा स्पेशलाइज्ड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और अपनी ब्रीफिंग और अपना सैनिटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अपनी ड्यूटियाँ संपादित की जाती हैं। तो लगभग 100 से अधिक कर्मचारी हैं जो हमारे इन ड्यूटियों पर ड्यूटीरत हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें जो अपनी ड्यूटियाँ समाप्त करते हैं तो 14 दिन के क्वारंटीन में भी उनको हम रखते हैं। तो मैम, जिस तरीके से SDRF की भूमिका बेहद अलग नज़र आई है, चुनौतीपूर्ण समय है, कई तरह की प्रिपरेशंस, एंटिसिपेटरी प्रिपरेशंस और बहुत तरह की ट्रेनिंग्स और प्रोक्योरमेंट्स हम लगातार कर रहे हैं जिससे कि हम इस चुनौती से निपट सकें। इसके अलावा जो भी हमारा ट्रेनिंग का कार्य है या जो हमारा डिप्लॉयमेंट का कार्य है, जो हमारे रोज़ाना की ड्यूटियाँ हैं, क्योंकि इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल कोई भी रोड एक्सीडेंट अगर हो जाता है या किसी अन्य प्रकार की आपदा आती है या अभी संभावित चारधाम यात्रा जो शुरू हो जाएगी तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भी हमें अपनी तैयारियाँ करनी है और जो हमारे रूटीन के वर्क हैं वो भी हमें करने हैं। उसके अलावा कोरोना संबंधी जो चुनौतियाँ हैं वो भी हम लगातार उसमें अपना जो भी बहुमूल्य योगदान हमारे द्वारा दिया जाना संभव है यथासंभव उसमें अपना 100% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें हम दे रहे हैं। अगर स्थिति आपात होती है तो आइसोलेशन के लिए लोगों के लिए क्या अलग से कुछ व्यवस्था की जाएगी? SDRF के द्वारा कोई ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है? कुछ रोड मैप्स डेवलप्ड हैं बट उनको अभी साझा किया जाना काफ़ी जल्दीबाजी होगी क्योंकि जब भी जिस प्रकार से चीज़ें इवॉल्व होंगी तो सभी स्टेक होल्डर्स के और सीनियर ऑफिसर्स के निर्देशानुसार जो भी प्लान सबसे सूटेबल लगेगा उसको डिप्लॉय किया जाएगा। वर्तमान में 3-4 प्रकार के संभावित सिनेरियोस के हिसाब से हमारी अपनी प्लानिंग तैयार है। मैम, चारधाम यात्रा भी अब करीब है तो इसको लेकर SDRF ने क्या कुछ तैयारियां की? चारधाम यात्रा में भी SDRF का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और विगत वर्षों की ही भांति हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट चार्ट्स, अपने प्रिपरेशन, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, चारधाम यात्रा को देखते हुए भी हम लोग हाईली प्रिपेयर्ड हैं। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि चूँकि कोरोना वायरस के आउटब्रेक से पूरी वैश्विक व्यवस्था और देश में जिस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसको देख के अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार चारधाम यात्रा में कुछ कमी होने की संभावना है। परंतु इसके बाद भी जो हमारी तैयारियां हैं वो हम लोग पीक प्रिपरेशन लेवल पर हैं और जो भी यात्री चारधाम यात्रा पर आएंगे उनकी सुगम सुरक्षित यात्रा हेतु SDRF पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मैम, चलते चलते कार्यक्रम के अंत में प्रदेश की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रदेश की जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो लॉकडाउन संबंधी आदेश निर्देश है, कृपया उनका पूरे कड़ाई से पालन करें, अपने परिवार में, अपने समाज में जागरूकता फैलाएं। जब निहायत ही ज़रूरी हो केवल तभी बाहर निकलें, उसमें भी अपने जो सैनिटाइजेशन के, क्लीनिंग के तरीके हैं उनका पूर्ण ध्यान रखें, अपनी सावधानियाँ बरतें, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें और जो भी आपके आसपास लोग अगर आपको लगता है कि संक्रमित होने की संभावना है या ऐसे कोई सिम्टम दिखा रहे हैं और आपकी नज़रों में आते हैं तो आप उसकी सूचना भी अपने नज़दीकी चिकित्सा केंद्र में दीजिए। कई बार ऐसे भी किस्से सामने आ रहे हैं कि लोग अपने सिम्टम्स छुपा रहे हैं या सामने नहीं आ रहे हैं कि वो ऐसी कोई ट्रैवल हिस्ट्री या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री रही हो, तो ऐसा कोई केस भी अगर आपके संज्ञान में आता है तो कृपया एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते उसकी सूचना प्रशासन को दें और घर में रहें, सुरक्षित रहें और अधिक से अधिक अपने आसपास के लोगों को, परिवार को जागरूक करने का प्रयास करें। और यही हमारी अपील रहेगी कि इस पूरी की पूरी जो परिस्थिति है उससे निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का इसमें योगदान बहुत आवश्यक है और प्रत्येक व्यक्ति का इसमें अगर एक एक लापरवाही हमें कई जिंदगियों से खिलवाड़ करने के बराबर एक बहुत बड़ा हमें अंजाम इसका भुगतना पड़ सकता है, तो एक एक लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को 100% पालन करें और जिस प्रकार पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटाइजेशन हैं, क्लीनिंग्स हैं, वो सभी लोग इसी प्रकार प्रतिबद्ध हैं कि आप लोग सुरक्षित रह सकें। तो अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए जो सबसे आसान कार्य है कि अपने घरों में रहें, कृपया उसका आप सभी लोग सिंसियरिटी से पालन करें। बहुत शुक्रिया मैम हमसे बात। धन्यवाद। जिस तरीके से SDRF की कमांडेंट जो है तृप्ति भट्ट, उन्होंने बताया कि कैसे SDRF इस पे वर्कआउट कर रहा है, जो केसेस उनके पास आ रहे हैं उसको कैसे वो लोगों तक मदद पहुंचा रहा है। अब हम आ चले हैं SDRF के कंट्रोल रूम में और आपको बताएंगे कि कैसे ये पूरा वर्क कर रहा है। यहाँ पर कॉल्स ली जा रही हैं, सेट्स के माध्यम से भी यहाँ पर कॉल्स रिसीव की जा रही हैं, साथ ही साथ टेलीफोन के माध्यम से जो लोग मदद मांग रहे हैं उन तक भी मदद पहुँचाई जा रही है। पहले मैं आपको वो सेक्शन दिखाता हूँ जहाँ पर टेलीफोन के माध्यम से लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो फ़ोन में बात कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर कॉल्स जो हैं वो रिसीव की जाती हैं और उसके बाद संबंधित थाने क्षेत्र को बताया जाता है। लगभग कितनी कॉल्स प्रतिदिन आप लोग रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर? लगभग सर 40-50 कॉल डेली आई जाती हैं। इसमें कोरोना वायरस संबंधी और कोई गाड़ी गिर गई हो या कोई गुमशुदगी की सूचना हो जिसमें हमारी टीम लापता हो, कोई व्यक्ति नदी में डूब गया हो, ऐसी कई सूचना आती हैं जिसपे हम टीम को त्वरित यहाँ से रवाना करते हैं।
शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी वो यूनिट जहाँ पर फोन और फैक्स के माध्यम से जानकारियाँ साझा की जाती हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मद्देनज़र विशेष प्रोटेक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जवानों की ड्यूटीज़ पर अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। साथ ही साथ अभी जो है एक्सीडेंट संबंधी या फिर कई लोग नहर में डूब जाते हैं या नदियों में डूब जाते हैं अगर हादसे का शिकार हो जाते हैं तो उसमें भी मदद पहुँचाने के लिए SDRF जो है वो तत्पर नज़र आता है। मनोज जी आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, ये सेट्स लेके आप इस वक्त मोर्चा संभाले हुए हैं, लगभग जो जानकारियां हैं वो इसी के माध्यम से आती हैं? सर ये है हमारे दो सेट तीन सेट लगे हैं यहाँ पर, ये कुमाऊँ क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के, हमारे हर जिले से कनेक्टिविटी है कुमाऊँ क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र की। ज़्यादातर हमारे सूचनाएँ जैसे लोकल के हैं, देहरादून है या पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के सेट से भी आते हैं, मेरे फ़ोन से भी आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पर जैसे कोई कर रहे हैं तो हम अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देते हैं। तो इसके माध्यम से मतलब देखें तो पूर्ण रूप से SDRF और पुलिस की जो टीम है वो इसका प्रयोग करती है? हाँ यस यस, ये सभी हमारे जो थाने चौकी हमारे जो टीम है सबके पास वायरलेस सेट रहते हैं, हम तुरंत जैसे हमारा अगर सेट से नहीं होता है या फ़ोन से होता है हम तुरंत सेट से भी कॉल करते हैं, फ़ोन से भी कॉल करके तुरंत सूचना देते हैं। कोरोना वायरस जिस तरीके से प्रदेश में दस्तक दे चुका है उसके बाद क्या सेट्स में इस तरीके की जो कंप्लेंट्स हैं वो सामने आई हैं लोगों की मदद के लिए टीम्स गई? नहीं, कंप्लेंट तो आ रही है लेकिन ज़्यादातर हमारे फ़ोन पर ज़्यादा कंप्लेंट आते हैं क्योंकि पब्लिक के पास जो है हमारे सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारे जो विभाग है उसमें तो हम ज़्यादा सेट यूज़ करते हैं, विभाग जो है कॉल सेट में करते हैं और जो ज़्यादा फ़ोन से कॉल आते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये सेट यूनिट है यानी कि जो वायरलेस के जरिए पुलिस के जो जवान हैं आपस में आपसी संवाद के लिए इसका प्रयोग करते हैं टेलीफोन के माध्यम से, जिस तरीके से आपने देखा कि लोग जो है वो सीधा फ़ोन कर सकते हैं SDRF के जवानों को। और ये जो कंट्रोल यूनिट बनाई गई है और यहाँ पर जो कार्य हो रहा है बेहद तेज गति के साथ किया जा रहा है, लोगों तक मदद पहुँचाई जा रही है। आप देख सकते हैं एक और सेट यूनिट यहाँ पर है और यहाँ पर भी लगातार विशेष तौर पर इस तरीके का कार्य किया जा रहा है तो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँच सके इसको लेकर SDRF काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि SDRF का कंट्रोल रूम किस तरीके से काम करता है। मेरे साथ इसके इंचार्ज मौजूद हैं जयदेव नेगी जी। जयदेव जी मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा किस तरीके से यूनिट अब काम कर रही है क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो दस्तक दे चुका है प्रदेश में। जी हमारे यहाँ पर फोन फैक्स और वायरलेस सेट के माध्यम से सूचना कलेक्ट की जाती है और तुरंत उस पर रिस्पॉन्स किया जाता है, जिस संबंधित डिस्ट्रिक्ट से सूचना होती है और अपनी टीम को डिस्ट्रिक्ट को बताया जाता है। जयदेव जी लगभग कितनी कॉल्स इसके रिगार्डिंग आपके पास आ रही है कोरोना से जुड़ी हुई? कोरोना से जुड़ी यहाँ पे 15-20 कॉल आ जाती है और हम जिस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित रहता है उस डिस्ट्रिक्ट को हम सूचित कर देते हैं और अपनी टीम को और उच्च अधिकारी को सूचित करते हैं। लगभग कितना स्टाफ इसमें लगा हुआ है इस वक्त? हमारा 4 स्टाफ रोटेशन में 24 घंटे काम करता है। जयदेव जी क्या रिजर्व में भी कोई टीम रखी गई है जो कि बैकअप के लिए काम आए? जी हमारे यहाँ मुख्यालय में एक टीम रिजर्व रहती है जो आसपास के क्षेत्र में तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जिस तरीके से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं उसके बाद एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि SDRF के जवान भी मोर्चे पर तैनात हैं और लोगों तक रसद सामग्री सहित तमाम सुविधाएं और मदद पहुंचा रहे हैं। बस आप घर में रहिए, SDRF आपसे यही अपील करता है। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बने रहें DD उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।